बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने शनिवार की शाम को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर मुलाकात की। सलमान खान शनिवार की शाम को कालीघाट स्थित आवास पर पहुंचे। ममता बनर्जी ने उन्हें शॉल उड़ाकर स्वागत किया। उसके बाद सलमान खान और ममता बनर्जी ने उपस्थित लोगों का अभिवादन भी किया। सलमान खान लगभग आधे घंटे तक ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। सलमान खान जब जाने लगे तो सीएम ममता बनर्जी खुद उन्हें गाड़ी तक छोड़ने गई। दोनों को वहां उपस्थित भाईजान के फैंस का अभिवादन करते भी देखा गया। बता दें कि सलमान खान शुक्रवार देर रात कोलकाता पहुंचे। करीब 13 साल के बाद अभिनेता सलमान ने कोलकाता की धरती पर कदम रखा था। इसी बीच सलमान को लगातार जान से मारने की भी धमकियां मिल रही हैं। फिलहाल अभिनेता सलमान खान को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। सलमान खान ममता बनर्जी के घर काले रंग की कार में पहुंचे थे। उनकी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। उन्होंने गाड़ी से उतरने के बाद हाथ जोड़कर ममता बनर्जी का अभिवादन किया और ममता बनर्जी ने भी उनका अभिवादन किया और उन्हें शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। शनिवार शाम को ईस्ट बंगाल ग्राउंड में सलमान खान के साथ सोनाक्षी सिन्हा, जैकलिन फर्नांडिस, पूजा हेगड़े, प्रभु देवा, आयुष शर्मा लाइव शो करेंगे। इस वक्त सलमान के फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार सलमान खान कुछ गानों पर डांस भी करेंगे। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने शनिवार की शाम को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर मुलाकात की। सलमान खान शनिवार की शाम को कालीघाट स्थित आवास पर पहुंचे। ममता बनर्जी ने उन्हें शॉल उड़ाकर स्वागत किया। उसके बाद सलमान खान और ममता बनर्जी ने उपस्थित लोगों का अभिवादन भी किया। सलमान खान लगभग आधे घंटे तक ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। सलमान खान जब जाने लगे तो सीएम ममता बनर्जी खुद उन्हें गाड़ी तक छोड़ने गई। दोनों को वहां उपस्थित भाईजान के फैंस का अभिवादन करते भी देखा गया। बता दें कि सलमान खान शुक्रवार देर रात कोलकाता पहुंचे। करीब 13 साल के बाद अभिनेता सलमान ने कोलकाता की धरती पर कदम रखा था। इसी बीच सलमान को लगातार जान से मारने की भी धमकियां मिल रही हैं। फिलहाल अभिनेता सलमान खान को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। सलमान खान ममता बनर्जी के घर काली रंग की कार में पहुंचे थे। उनकी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। उन्होंने गाड़ी से उतरने के बाद हाथ जोड़कर ममता बनर्जी का अभिवादन किया और ममता बनर्जी ने भी उनका अभिवादन किया और उन्हें शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। शनिवार शाम को ईस्ट बंगाल ग्राउंड में सलमान खान के साथ सोनाक्षी सिन्हा, जैकलिन फर्नांडिस, पूजा हेगड़े, प्रभु देवा, आयुष शर्मा लाइव शो करेंगे। इस वक्त सलमान के फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार सलमान खान कुछ गानों पर डांस भी करेंगे।